हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के लिए पूर्ण सहयोग मिला है। लोगों ने यह भी सलाह दिया है कि कर्फ्यू रिलैक्सेशन के 3 घंटे की जगह 2 घंटा किया जाए, और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि 3 घंटे का रिलैक्सेशन अल्टरनेट डे में हो जाए। इससे जो लोगों में उत्सुकता दिखाती है और लोग इस महामारी के बारे में बहुत ही ज्यादा गंभीर है, इस बात के लिए मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 21 केस जो COVID-19 पॉजिटिव केसेस है, और 21 का 21 जो है तबलीग जमात के संबंधित लोगों में है, और वो अलग अलग अस्पताल में इस वक्त ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और इस बारे में इस वक्त 293 जो फर्स्ट कांटेक्ट के लोग हैं वो भी क्वारंटाइन में है। कुल मिला के 626 लोग जो है क्वारंटाइन में है। हमने 20 FIR 97 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है, और इसमें हम गहराई से जाएंगे। जो जिन्होंने जो इल एडवाइस दिया है, जो मिसगाइड किया है, सबूतों के आधार पर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और एक बात हमारे ध्यान में आया है कि आजकल ऑनलाइन परचेसेस जो है वो बढ़ रहा है, और कई साइट्स जो है जो मिलता जुलता मशहूर ऑनलाइन साइट के बराबर क्रिएट करते हैं, और इसमें काफ़ी चीटिंग हो रहा है। इसलिए आप ऑनलाइन ऑर्डर करने के पहले साइट के बारे में वेरीफाई करें और अपना मोबाइल में अलर्ट जो है ये ऑन करके रखें। और कई तरह का NGOs, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस कोविड फंड क्रिएट किए हैं और कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं, और आप डोनेट करने के पहले पूरा वेरीफाई करके डोनेट करिए। और मैं सजेशन देना चाहता हूं कि बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर केयर या चीफ मिनिस्टर कोविड फंड में ही अपना कंट्रीब्यूशन करें। और इसके बारे में कैसे करना है, इसके बारे में हम अपना ऑफिशियल वेबसाइट में पूरा डिटेल्स देंगे। और जो डूज एंड डोंट्स सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है उस पर डिपेंड करने के बजाय आप जो ऑफिशियल साइट है सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का साइट है, गाइडलाइंस है, इसी तरह आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस है, WHO का गाइडलाइंस है, उन्हीं को फॉलो करें, और डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना दवाई ना लें। और जो आयुष मंत्रालय के एडवाइस के मुताबिक अगर आप जो कुछ भी करेंगे जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है, आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, या आप अच्छी नींद पे रहेंगे या रेस्ट लेंगे, इस आपका इम्यूनिटी जरूर बढ़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका रिस्क कम हुआ है, तो रिस्क तो उतना ही रहेगा। इसलिए जो प्रिकॉशन हमको लेने के लिए एडवाइस किया गया वो पूर्ण रूप से वो प्रिकॉशंस हमको लेना है। एक बात और हमारे ध्यान में आया है कि कुछ सोशल मीडिया में तबलीग जमात के वजह से पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ काफी कुछ लिखा जा रहा है, और एक किस्म से सोशल बॉयकॉटिंग टाइप हो रहा है। ये उचित नहीं है, सही नहीं है, और मैं इसके बारे में एक स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे संविधान 51 ए के मुताबिक जो है रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट के ऊपर उठ के एक यूनिटी बनाए रखना जो है हम सबका दायित्व है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, और इसमें कभी भी कोताही बरसना नहीं चाहिए। इस वक्त यूनिटी की आवश्यकता है। भारतवर्ष जो है जो रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट के ऊपर उठ के एक अंडरलाइंग यूनिटी दिखाने के लिए पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। इसको हम सबको समझना चाहिए, और इस वक्त जो भाईचारा बना के रखना, प्यार मोहब्बत बना के रखना और यूनिटी बना के रखना अति आवश्यक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस वक्त हम अपना व्यक्तिगत जो नीड्स है इससे ऊपर उठ के समाज के बारे में सोचना चाहिए। अपना सेफ्टी तो बना रखना है, समाज का सेफ्टी भी बनाए रखना हमारा दायित्व है, और समाज के बारे में सोचना आवश्यक है। जो राजा भर्तृहरि जो है, हिमाचल प्रदेश में भर्तृहरि का काफी मंदिर है, उन्होंने एक बात कही है, दुनिया के जितने भी लोग हैं इनको 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला कैटेगरी में वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपना लाइफ पूर्ण रूप से दूसरों के लिए डेडिकेट किए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी,
मदर तेरेसा, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर जी वेंकट स्वामी, अली के नारायण भट्ट, इन्होंने हमेशा समाज के बारे में सोचा है, अपना पर्सनल प्रॉफिट या बेनिफिट या कंफर्ट के बारे में कभी नहीं सोचा है। दे आर लाइक कैंडल्स विच बर्न एंड बर्न एंड वैनिश गिविंग लाइट टू अदर्स। द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर दोस जो अपने बारे में भी सोचते हैं, समाज के बारे में भी सोचते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में हैं। थर्ड कैटेगरी लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। और लास्ट कैटेगरी लोग वो है जो दूसरों को तंग करने में मजा लेते हैं, जैसे रैगिंग इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। और दूसरा जो सरकारी मुलाजिम भी बहुत सारे हमें ऐसा मिलता है, मिलते हैं जो लोगों को तंग करने में एक किस्म से मजा लेते हैं। इसलिए भर्तृहरि ने कहा कि जिंदगी का मकसद है एक कैटेगरी से ऊपर कैटेगरी में जाना है। हम इस जन्म में गांधी या मदर तेरेसा बन नहीं सकते, कम से कम हम अपने बारे में कम सोचे, समाज के बारे में ज्यादा सोचे। और यही बात साई बाबा ने कहा, हेल्प एवर हर्ट नेवर। और यही बात महर्षि वेदव्यास ने लिखा कि जब उन्होंने 18 पुराण लिखा, उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। आप अगर इतना जानोगे मदद करना पुण्य है, तंग करना पाप है, तो आपको 18 पुराण का जिस्ट मिल गया है, पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। यही बात साई बाबा ने कहा, हेल्प एवर हर्ट नेवर, इसी को भर्तृहरि ने चार कैटेगरी में बांटा है। सबने एक ही बात कही, जब हम व्यक्तिगत डिजायर के ऊपर उठ के समाज के बारे में सोचना है। इसलिए हम ये रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करें और साथ साथ एक दूसरे का मदद करें और समाज में एक भाईचारा बनाए रखें और हम सब मिलकर विश्व को रोगमुक्त होने के लिए दुआ करें। धन्यवाद। जय।